अपने चैनल को स्टार्ट कुछ ऐसे करना चाहती थी। हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं ओलिविया, मैं ऑनिक, मैं जेरन, मैं क्रिस्टी, मैं कोटनी और मैं लवली। मतलब हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं ओलिविया, मैं क्रिस्टी, मैं ओनिक, आई एम जेरन, मैं योन, मैं कोटनी और मैं लवली। आई मीन वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक कुछ भी। और जो मैंने अभी किया वो मेरे एक और फेवरेट यूट्यूबर हैं, लवलीन वट्स, जो ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉग्स बनाते हैं, मेलबर्न में रहते हैं। तो उनकी बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, ब्यूटीफुल सी फैमिली है। वहाँ से वो जो उनका इंट्रो होता है, बस वहीं से मैंने ये उठा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो लोग। आज था काफ़ी अच्छा दिन मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर से मिली हूँ, जो हैं फ्लाइंग बी कौरव सर। और मतलब मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट किया था मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आई एम स्टिल नॉट आउट ऑफ यू नो कि मैं उनसे मिल ली हूँ सच में। और मैंने एक्चुअली उनसे मिलने के लिए ही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला जो मैच था एडिलेड ओवल में, वो बुक किया था। और मैं एडिलेड में रहती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम हेयर। और मैंने उनसे मिलने के लिए और रितु मैम से मिलने के लिए ही टिकट्स बुक करी थी। ओके, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो नहीं आ पाए और कोई स्टोरी अपडेट भी नहीं थी। मैंने टिकट्स कर ली थी एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली चेकिंग उनकी स्टोरीज वगैरह कि कहाँ है। मतलब वो VIP लाउंज में होता तो मैं जस्ट उसके नीचे वाले एरिया में ही थी। आई वॉज कीप लुकिंग फॉर हिम एंड रितु मैम बट आई कुडंट फाइंड देम। सो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा दिल टूट गया था। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा था कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, वो लोग आए नहीं यहाँ पे। वो लोग सारे मैचेस देख रहे थे, मेलबर्न, सिडनी, पर्थ और एडिलेड। जब एडिलेड की बारी आई तब वो लोग नहीं थे यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो उसके बाद जब अभी सेमीफाइनल था, उसकी टिकट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और मुझे ये था, मैंने सर के ब्लॉग सीखे थे, वो लोग UK चले गए थे कुछ काम से अपने, तो मुझे ये था अब तो सेमीफाइनल्स के लिए भी नहीं आएंगे ये लोग। तो मैंने सेमीफाइनल्स की भी टिकट्स नहीं ली कि चलो अब वो नहीं आएंगे। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि सर आ रहे हैं और फिर मेरी जॉब थी तो मेरी शिफ्ट थी वहाँ पर। तो फिर और एंड टाइम पर, और मतलब टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी थी, 120 तो बहुत पहले थी, $80 or $120, बाद में $350 कुछ हो गई थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगी थी। इतने में तो बस मेरे तो बस की नहीं थी। फिर एक मतलब मैं अपने व्लॉग को थोड़ा बुरा, मतलब मैं थोड़ा सैड नहीं बनाना चाहती हूँ, मतलब नेगेटिव नहीं बनाना चाहती हूँ। इट्स लाइक मैंने किसी से पूछा था, यहाँ पे कोई नोन ही है जो कि सर से मिले थे, मैंने उनकी पोस्ट देखी, स्टोरीज या पोस्ट कुछ देखा था, आस्क्ड दैट पर्सन सर का कुछ पता है कहाँ रुके हैं या फिर व्हेन ही इज़ लीविंग। बिकॉज सिंस आई वर्क एट एयरपोर्ट, तो मुझे ये था कि जब भी वो जा रहे होंगे यहाँ से तो मैं उनसे काश मिल पाऊँ, उस टाइम पे मेरी शिफ्ट्स हो या कुछ मैनेज करके, आई फिगर इट आउट। बट दैट पर्सन सेड नो, तो दैट वॉज लाइक, अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। यू नो एक लास्ट होप थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई वॉज लाइक शैटर्ड, मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। उसके बाद मैंने तो सारी होप्स छोड़ दी थी कि अब तो शायद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैंने आज ही सुबह सर की स्टोरीज देख ली थी एयरपोर्ट की कि वो वापस जा रहे हैं। और तो मुझे उसके बाद तो मैंने सारी होप्स छोड़ दी थी कि अब तो मैं नहीं मिल पाऊँगी उनसे, क्योंकि मेरी शिफ्ट शाम को थी अभी 4 बजे से। फिर मुझे लगा चलो अब तो सर चले गए हैं। फिर जैसे ही मैं अपनी वर्क प्लेस पर गई और मैंने बस ऐसी स्टोरी देखी कि देखती हूँ अपडेट, मतलब अपडेट मैसेज चेक करती रहती, तो मैंने ऐसे अपडेट देखा, उसमें था कि मेरी फ्लाइट डिलेड है और ही वॉज लाइक डूइंग अ Q&A। इंस्टेंटली मतलब मैंने वहाँ पे डाला कि मुझे आपसे मिलना है, वेयर आर यू एट एयरपोर्ट, ये वो करके, कैन यू प्लीज़ मीट मी। और मैं जैसे अपने स्टोर से बाहर निकली और सर वॉशरूम से आ रहे थे, एंड लिटरली ओ माय गॉड, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, आई वाज लाइक व्हाट व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, आई एम आउट मैन। मेरे को सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका व्लॉग देख रही हूँ।
मुझे लगा मैं व्लॉग देख रही हूँ क्या, मतलब ऐसा लगा सर सामने से आ रहे हैं, वो कुछ अपना व्लॉग शूट करते हुए आ रहे थे ऐसे, तो वो उनका ध्यान अपने फ़ोन में ही था। आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मैं कब से उनसे मिलना चाहती थी, और सारी हो सुनने के बाद इट वाज लाइक सच में किस्मत से, और आई प्रेड अ लॉट टू माय गॉड। आई वाज लाइक प्लीज़ 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 मुझे मिलना है। आई क्राइड ऑल्सो। फाइनली आई मेट हिम, और मैंने उनको बताया कि कैसे मैंने टिकट्स बुक करी थी, मन से नहीं मिल पाई, और फिर उन्होंने बोला कि आपको पिक्चर लेनी है तो आप पिक्चर ले लो। फिर मैं जल्दी से अपना फ़ोन लेकर आई, और फिर मैंने जस्ट मैंने वीडियो पर टैप कर दिया, मुझे नहीं पता पिक्चर विक्चर, मैं पिक्चर्स नहीं ले पाई, बस मैंने जो भी स्क्रीन शॉट लगाया इंस्टा स्टोरी पर अपनी, जस्ट वीडियो से मैंने स्क्रीन शॉट लेकर लगाया, और फिर मैंने उनका वीडियो बनाया, तो वो मैं वीडियो इसके बाद लगाती हूँ, आप इसके बाद देख लो वाला वीडियो। YouTube के लिए? YouTube के लिए। Hi everyone. Yes, met randomly. और हम इसीलिए मिल पाए क्योंकि मेरी फ्लाइट 3 घंटा लेट हो गई, अदरवाइज मैं आवाज़ होता। और मैं कब से मिलना चाहती थी आपसे? किस्मत भगवान ने मिला। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। Oh wow, congratulations. Oh my god, चल सबको बोल दो मुझे सब्सक्राइब भी कर दे। सबको बोल रहा हूँ भाई, जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ऋषि पीहू और दी को सब बहुत ज़्यादा प्यार। अभी मैं अपने फेवरेट नहीं, मेरा फ़ोन क्वालिटी बहुत ही गंदी है, आई एम सो सॉरी। ही इज़ गोइंग, और मेरा सपना पूरा हुआ, आई मीन आई कॉन्ट टेल यू मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ये इज़ गोइंग इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर, ओ माई गॉड। एक और चीज़ बताना भूल गई, जैसे ही मैंने स्टोरीज देखी थी सर की कि सर यहीं पर ही है, मतलब वहीं पर ही है एयरपोर्ट पे, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप, तो मैं जल्दी से अपना फ़ोन रखकर टेबल के नीचे, मतलब वहीं रखते हैं, तो मैं जल्दी से फ़ोन रखकर मैं बाहर भागी जल्दी से, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहीं से डोमेस्टिक वाले फ्लाई करते हैं, तो आई न्यू सर की, मैंने जो पोस्ट देखा था सर एयर इंडिया से आए थे, तो आई न्यू कि सर अभी डोमेस्टिक ही फ्लाई करेंगे, तो फिर वो लोग अभी बोर्डिंग ही कर रहे थे, तो मुझे था ये ही वाली फ़्लाइट है और ये कॉन्टेस वाली फ़्लाइट है, ये ही लोग बोर्ड कर रहे हैं और सर ये ही में गए, और काफ़ी लोग जा चुके थे, तो मुझे बस ये था कि शिट, मैं मतलब मिलने से इतना ज़्यादा क्लोज थे, शायद मैंने मिस कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग जा चुके थे, मुझे लगा हो सकता सर चले गए हूँ, बट देन जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी वॉशरूम के, सर आए वॉशरूम के, वॉशरूम मुँह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं वॉशरूम से, तो वॉशरूम के बाहर वहाँ पर मैं मिली, और मैं सर से ये भी बोला, सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये भी बोलना चाहती थी, मतलब जब आप चले गए हम लोग मिले थे उसके बाद मुझे लगा शिट यार ये भी रह गया बोलना, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाई, मतलब आई वॉन्टेड कि सर मेरे स्टोर से कुछ सामान खरीदे और फिर मैं अपना एम्प्लॉई डिस्काउंट जो भी होता है वो लगा के दे दूँ, और मेरे पास कुछ स्टफ़ भी था खाने का, मेरे पास नूडल्स थे, तो मुझे लगा, मुझे बाद में दिमाग में आया कि शर्ट में दे देती, रशी के लिए दे देती, वो खा लेती, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंस्पिरेशनल हैं, और बाकी तो आप उनको जानते ही हैं, और जैसे कि सर ने बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखी है, कैसे मैं यहाँ पर आई, और मैंने अकोमोडेशन ढूंढा, नहीं मैं अकोमोडेशन में मूव हुई, ढूंढा तो मैंने पहले ही था, मतलब कुछ भी, और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या जॉब करती हूँ, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, मस्त प्लान है, मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डेड है, बस अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी अपलोड नहीं कर पाई।
बट स्टिल आई मैनेज टू डू समथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम. तो मैं अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ पे दिखा दूंगी, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पे मैं हमेशा स्टोरीज, हमेशा तो नहीं, कभी कभी स्टोरीज डालती हूँ, कभी कभी रील्स डालती हूँ. तो वहाँ पे मेरी थोड़ी सी जर्नी है जो आपको दिख जाएगी कि हाँ अभी तक क्या 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 चल रहा है मेरी लाइफ में. मतलब मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है यहाँ पर आना सब कुछ. मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मम्मी पापा के लिए कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाई. तो मैं सारी चीज़ें, सारी यादें, यू नो मेमोरीज सारी रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ. तो मैं घर से रिकॉर्ड कर रही थी कि मैंने कैसे शॉपिंग करी यहाँ पे आने के लिए. शॉपिंग बहुत कुछ नहीं करी, पर हाँ जो भी कुछ करी, कैसे सब किया, पैकिंग कैसे करी, वो सब भी रिकॉर्ड करा है और वो अभी तक नहीं डाल पाई हूँ. तो आई एम सॉरी गाइज. और मैं यहाँ पर आई थी फेब्रुअरी इनटेक में, दिस ईयर इन फेब्रुअरी. तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अब के लिए बाय. ये भी मैंने लविंग मदर्स के बेटे से बोला जो बच्चे बोलते हैं. ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इन माई स्टाइल. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. बैक मतलब बैक कहाँ से आओगे, मतलब वेलकम टू माय चैनल.